સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ છે, પરંતુ ચોમાસાના પ્રારંભમાં જ હોસ્પિટલ પાસેના રોડ રસ્તાઓ છે તેના પર વરસાદી પાણી ભરાતા અહીં આવતા દર્દીઓને ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો। રાજકોટ શહેરમાં કોંગ્રેસના વિરોધ બાદ જીએસટીવી દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલની રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવી હતી। राजकोट में बे वीजपोल धराशायी थवानी घटना सामे आवी छे। वीजपोल धराशायी थता पार्किंग करेला अनेक टू व्हीलर ने नुकसान पहुंच्यु। महत्वनुं छे के सदनसीबे वीजपोल मुख्य मार्ग तरफ धराशायी न थता मोटी जानहानी टळी छे। वीजपोल धराशायी थता राजकोटना 150 फूट रिंग रोड पासे आवेला आंबेडकर सर्कल पासे पीजीबीएसएलनी प्री मोन्सून कामगीरीनी पोल खूली थई गई छे। अमदावादना अनेक विस्तारोमां पण धोधमार वरसाद वरस्यो। एसजी हाईवे पर 16 गोता हाईकोर्ट विस्तारमां वरसाद वरसता ठेर ठेर पाणी भराया। तेमज राणीपपाल अडालजमां पण झरमर वरसाद वरस्यो। धोधमार वरसादने कारणे अमदावाद शहरमां ट्राफिक जामना द्रश्यो पण जोवा मळ्या। तेमज विजिबिलिटी ओછી થવાને કારણે વાહન ચાલકોને પણ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો। तो हवामान विभाग द्वारा राज्य में विविध शहरों में भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही व्यक्त कराई है। त्यारे पाटनगर गांधीनगर में भारे उकड़ाट बाद वरसादनुं आगमन थयुं छे। अचानक आकाश में काला डिबांग वादळो छवाया अने त्यारबाद मेघराजा की एंट्री थी। अचानक वरसाद ने कारण लोग वरसाद में भींजाता पण नजरे पड़ा। जामनगरना शहरीजनों माटे वरसादी माहोल वच्चे सारा समाचार सामे आव्या छे। 3 डेम में पाणीनी आवक थई। जामनगर शहर ने पानी पूरु पाड़ता जलाशयों पैकी रणजीत सागर डेम में 1.7 ऊंड एक डेम में 1.77 फूट और आजी 3 डेम में 3.25 फूट पानी की आवक नोंधाई है। तापी जिल्लाना केटलाक विस्तारोमां वरसादी माहोल जाम्यो छे। व्याराना स्टेशन रोड कॉलेज रोड तेमज बजार विस्तार सहितना विस्तारोमां वरसादी माहोल। व्यारा बालोड डोलवण सहितना तालुकाओमां धीमी धारे वरसादनी शरूआत थई। जिल्लामां चोमासानी शरूआत साथे धरतीपुत्रोमां खुशीनो माहोल छे। तो सुरेन्द्रनगरना सायलामां पण 2 इंच वरसाद खाबक्यो, जेना कारणे नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराया। मूड़ी दसाड़ा और चोटीला में वरसाद नोंधायो। बीजी तरफ वावणी लायक वरसाद थी खेडूतो में खुशी की लहर है। सूरत जिला में पण विधिवत रीते चौमासानी शुरुआत थई है। हवामान विभागे आगामी 5 दिवस दरमियान दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद की आगाही करी है। जिल्लाना बारडोली कामरेज पलसाणा महुआ मांगरोळ पंथक में पण वरसादी माहोल जाम्यो। वरसादी माहोल थता खेडूतो में खुशी की लागणी है। वरसाद वरसता लोकोने असह्य गरमी में राहत मिली है। राजकोट ग्राम्य में सार्वत्रिक मेघमहेर जोवा मळी। गोंडल जेतपुर धोराजी तेमज उपलेटा शहर और ग्राम्य विस्तार में सार्वत्रिक मेघमहेर जोवा मळी। पंथक में वरसाद पड़ता खेडूतो में खुशी जोवा मळी। बीपोरजोय वावाझोड़ा बाद चोमासु आवता जे मगफळी कपास मग सहितना पाकोने जीवनदान मळ्युं छे। दक्षिण गुजरात शुरू थयेला विधिवत चौमासाने लईने वलसाडमां पण मेघराजानी सवारी आवी पहोंची। वलसाडना उमरगाम तालुकामां मेघमहेर यथावत जोवा मळी। तेनाथी मुख्य 4 रस्ता पर पाणी भराया। वोर्ड नंबर 7 में नवी नगरी विस्तारमां लोकोना घरोमां पण पाणी घुस्या। तो आ बाजु गोंडलमां पण धोधमार वरसाद वरस्यो, जेने कारणे शहरना नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराया। उंबड़ा रेलवे अंडरब्रिज में 3 से 4 फूट पानी भराया। वरसादी पानी फरी वळता वाहन चालकों और राहदारीओं ने मुश्केली वेठवानो वारो आव्यो। तो द्वारका जिला में पण वरसादी माहोल वच्चे खंभाळिया पंथक में वरसाद की शुरुआत थई है। खंभाळिया तेमज ग्राम्य विस्तार में वहेली सवारथी ज वरसाद शरू थयो। वावणी बाद वरसाद वरसता खेडूतो में खुशीनो माहोल छे। तो सूरत शहर में पण मेघराजानी सवारी आवी पहोंची छे। सूरत में गई कालथी ज वादळछायुं वातावरण जोवा मळ्युं अने सांजे अने सवारे केटलाक विस्तारोमां छूटो छवायो वरसाद पड्यो। वरसादने लईने वातावरणमां पण ठंडक प्रसरी छे। वलसाड जिल्लामां उमरगाममां मोडी राते भारे वरसाद शरू थयो हतो। वापीमां पण धीमी धारे वरसाद वरस्यो। સંઘ પ્રદેશ દમણમાં પણ વરસાદી માહોલ। લાંબા સમય બાદ સમગ્ર પંથકમાં વરસાદી વાતાવરણ સર્જાતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી, તો વલસાડમાં પણ વિધિવત રીતે ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ધોરાજીના જેતપુર રોડ પર છેલ્લા ઘણા સમયથી આરસીસી રોડ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। અંદાજિત 2 મહિનાનો સમય વીત્યા છતાં હજુ સુધી કામગીરી પૂર્ણ થઈ નથી, જેને કારણે સ્થાનિકોએ અનેક મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। રસ્તો બનાવવાની કામગીરી ગોકળ ગતિએ ચાલી રહી છે। અનેક વિસ્તારમાં કનેક્શન, ભૂગર્ભ ગટર લાઇન પણ ખોદી નખાઈ છે, જેનાથી સ્થાનિકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અરવલ્લીના માલપુંડા વાત્રક ડેમમાં નર્મદાના નવા નીર ઠાલવવામાં આવ્યા છે, તો જાલમપુર પમ્પિંગ સ્ટેશનથી પાઇપલાઇન દ્વારા નર્મદામાં નવા પાણી ઠાલવવામાં આવ્યા। સ્થાનિકોએ નર્મદા નીરના વધામણા કરી ખુશી વ્યક્ત કરી। રાજકોટમાં કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રોજેક્ટ શાખાની કચેરી ખાતે ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો, જેમાં કોંગ્રેસ દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલના રોડ રસ્તા, ફાયર સેફટી બાથરૂમ બિસ્માર હાલતમાં હોવાના આક્ષેપ સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો। કોંગ્રેસી આગેવાનો દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલના વિવિધ ફોટા સાથે બેનરો દર્શાવી વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો। हळवद नगरपालिका खाते वाल्मीकी समाजना लोको द्वारा जे सफाई कामदारों छे तेमना साथे अस्पृश्यता राखवामां आवती होवानो आक्षेप छे। आ अंगे वाल्मीकी समाजना सफाई कामदारों द्वारा आवेदनपत्र आपवामां आव्युं, जेमां वाल्मीकी समाजना सफाई कामदारों जे वर्षोथी योग्य निराकरण न मळता आगामी 30 तारीखथी अचोक्कस मुदत माटे हड़ताल पर जवानी तेमज न्याय नहीं मळे त्यां सुधी सामूहिक धर्म परिवर्तन करवानी चीमकी उच्चारी छे। राजकोट खाते आत्मीय यूनिवर्सिटी ने लईने जे जामीननी सुनावणी करवामां आवी। आत्मीय यूनिवर्सिटी में थयेल बोगस खाता कौभांडने कारणे तेना पर कार्यवाही कराई। तेना अंतर्गत तालुकामां पोलीस स्टेशनमां 33.26 करोड़नी उचापत अने छेतरपिंडीनी फरियाद नोंधाई छे। आ कौभांडमां संडोवायेला 4 आरोपीमांथी जे 2 आरोपी धर्मेश जीवाणी, वैशाखी जीवाणी अने नीलेश मकवाणा पोलीस पकड़मांथी दूर छे। आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेले कलोल में फैलायेला कोलेरा रोग अंगे प्रतिक्रिया आपी। मंत्री कह्युं छे के जूनी पाइपलाइन होवाथी गंदू पाणी जे भरवाथी कोलेरा थयो छे। तमाम जूनी पाइपलाइन बदलवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। जेने कोलेरा थयो हतो तेमने पण हवे सारुं छे। समग्र कलोल में पाणीनी पाइपलाइन में रहेला लीकेज रिपेर करवानी सूचना अपाई छे। अमित शाहे पण चिंता व्यक्त करी भविष्य में आवुं न बने तेना माटे कार्यवाही कराई छे। गुजरात शिक्षण व्यवस्था ने सड़ेलू शिक्षण गणावनार आईएएस अधिकारी धवल पटेलना लेटर अंगे प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेले प्रतिक्रिया आपी। मंत्रीए उमेर्युं हतुं के कोविड काल दरमियान शिक्षण बगड्युं छे। शब्द कदाच सड़ेलो होई शके, समग्र गुजरातनुं शिक्षण आवुं न होय। धवलभाईए तेमणे लीधेली मुलाकातनी विस्तार परथी आ वात कही छे। मुख्यमंत्रीना आग्रह मुजब धवलभाईए तेमना अनुभवना आधारे रिपोर्ट आप्यो छे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुजपुरा मोड़ी रात्रे सुरेन्द्रनगर सीविल हॉस्पिटल में आकस्मिक मुलाकाते पहुंचा था। मोड़ी रात्रे केंद्रीय मंत्रीए सीविल हॉस्पिटल अधिकारीओ साथे तात्कालिक बैठक योजी। आकस्मिक मुलाकात दरमियान महेंद्र मुजपुराए सारवार हेठळ रहेला दर्दीओ साथे पण बातचीत करी हती। उपरांत हॉस्पिटलनी परिस्थिति विषे ताग मेळव्यो। हॉस्पिटल में डॉक्टरनी अछत, दवाओनो अभाव अने हॉस्पिटल में गंदगी बाबते केंद्रीय मंत्रीए बैठक में विगतो मेळवी। बरोड़ा डेरीना प्रमुख और उपप्रमुख पद माटे चूंटणी। डेरीना हालना प्रमुख सतीश पटेल और उपप्रमुख पदे कृपाल सिंह महाराउलनी टर्म 2.5 महीना में ज पूरी थवानी छे, जेथी चूंटणी योजावानी। डेरीना हालना प्रमुख और उपप्रमुख रिपीट थशे के केम तेना पर सौनी नजर। बनासकांठाना डीसामां वधु एक दूध मंडळी में उचापत करी होवानी माहिती प्राप्त थई छे। यारबादपुर दूध उत्पादक सहकारी मंडली में मंत्री दिनेश सुथार पशुपालकों 4.47 लाख लई फरार थयो छे। मंडलीना चेरमेन जबराजी राजपूते दिनेश सुथार सामे उचापतनी फरियाद नोंधावी, जेना आधारे डीसा तालुका पोलीस मथके फरियाद नोंधाई छे। वडोदरा जिल्लाना पादरा खाते पेट्रोल पंपना संचालक साथे छेतरपिंडीनी घटना बनी। कोड़ियार पेट्रोल पंपना संचालके छेतरपिंडी पादरा पुलिस मथक में फरियाद नोंधावी छे। आ फरियाद मुजब कॉन्ट्राक्ट के धंधाना कोई वाहनों नहीं होवा छता खोटा वर्क ऑर्डर बनावी छेतरपिंडी आचरी। विश्वभर में 26મી જૂનના રોજ ड्रग एब्यूज और गैरकायदेसर हेरफेर सामेना आंतरराष्ट्रीय दिवस अन्वये वडोदरा खाते शहर पुलिस और कृपा फाउंडेशन द्वारा आ वर्षनी थीम मुजब लोको प्रथम कलंक और भेदभाव बंद करो, निवारण ने मजबूत करो ने जागृति सूत्रों साथ बाइक रेलीनु आयोजन करायु। मोरबी में गाड़ा गामना पाटिया पास गैसना बाटलाना गोडाउन में आग लागी हती, जेमां गैसना बाटलामां आग लागता ब्लास्ट थवानी घटना बनी। आग ने ब्लास्ट थता अफरातफरीनो माहौल सर्जायो। आग पर काबू मेळववा माटे मोरबी फायर फाइटरनी बे टीमो घटनास्थळे पहोंची छे। सुरेन्द्रनगर मेन रोड पर स्वीट मार्टनी दुकान में वहेली सवारे आग फाटी नीकळी हती। स्थानिक लोकोए नगरपालिकानी फायर विभागने जाण करी। फायरनी टीमे घटनास्थळे पहोंची आग पर काबू मेळववा प्रयत्नो हाथ धर्या हता। आग लागवानुं कारण हजू सुधी अकबंध छे। नवसारीनी जाणीती परतापुर गामे आवेली एबी शाळामां 12મા ધોરણની વિદ્યાર્થીનીનું મોત નીપજ્યું છે। શાળામાં રિસેસ દરમિયાન વિદ્યાર્થીનીએ બેભાન થઈ ગઈ, જે બાદ તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી, જ્યાં તબીબે તેને મૃત જાહેર કરી। એબી શાળાની વિદ્યાર્થીની ઉપરાંત 8મા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીને પણ ખેંચાવતા ઘટના બની। ખેંચાવતા વિદ્યાર્થી છે સ્વસ્થ થઈ જતા રજા અપાઈ હતી। अमદાवादना परिमल गार्डन पास आवेल अंडरपास में अकस्मातनी घटना बनी। अंडरब्रिज में वरसादने कारणे एक्टिवा स्लीप थई, जेना कारणे अकस्मात थयो। जो के पाछळथी पिकअप वाने तेने अड़फेटमां लीधुं, तेमां एक्टिवा चालकनुं मोत थयुं छे। पोलीसे घटनाने पगले आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। तापी नदी में डूबी जवाथी 8 वर्षना बाळकनुं मौत थयुं छे, जेमां पिता 3 संतानोने लई तापी नदी किनारे फरवा गया हता। ते दरमियान नाहवा पड़ेल 3 पैकी एक बाळक पाणी में गरकाव थयुं। आ घटनानी जाण थता फायर विभागनी टीम रेस्क्यू माटे घटनास्थळे पहोंची हती अने बाळकने सारवार माटे खसेडायो, ज्यां तबीबे तेने मृत जाहेर कर्युं। आ समग्र मामले पोलीसे कार्यवाही हाथ धरी छे। अमदावादना निकोलना शिरोमणी बंगलोनी सामे हत्यानी घटना सामे आवी छे। मंगल पांडे हॉल पासे वृद्धनी हत्या करवामां आवी। अजाण्या शख्से तीक्ष्ण हत्याना घा झीकी वृद्धनी हत्या करी हती। निकोल पोलीसे गुनो नोंधी तपास तेज करी छे। મહેસાણાના વિજાપુર રણછોડપુરા ચોકડી પાસે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં કલોલના વેપારી દંપતી દર્શન કરવા જતા હતા અને ત્યારબાદ વતન ફરતા જે રાજસ્થાન તરફ જતા હતા તે સમયે ટ્રક સાથે અકસ્માત સર્જાયો। અકસ્માતમાં કારમાં સવાર દંપતીની સાથે ડ્રાઈવરનું પણ મોત થયું છે। આ મામલે વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાઈ છે। મહેસાણાના મીઠા ગામ નજીક પેટ્રોલ પંપ પર મારામારીની ઘટના બની। એક યુવકે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીને બોટલમાં પેટ્રોલ આપવાનું કહ્યું, જો કે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીએ પેટ્રોલ આપવાની ના પાડતા તેના પર છરી વડે હુમલો કર્યો। આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। ઘટનાને પગલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। સુરત શહેરમાં દિવસેને દિવસે મોબાઈલ સ્નેચિંગની ઘટનાઓ બની રહી છે, તેનાથી લોકોમાં રોષ છે। त्यारे हाथ लागेला मोबाइल स्नेचर ने लोकोए मेथीपाक चखाड्यो। लोकोना हाथमांथी मोबाइल चोरी करीने भागनार बे लोको छे, तेमने स्थानिकोए मेथीपाक चखाव्यो। राजकोट खाते पड़धरी तालुकाना उकरडा गाममां नवजात बाळक मळी आव्युं। आ बाळक कूवामांथी मृत अवस्थामां मळ्युं छे। स्थानिकोए फायर ब्रिगेडने जाण करता कूवामांथी नवजात बाळकनो मृतदेह बहार काढवामां आव्यो। ત્યારબાદ પડધરી પોલીસે આ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે। સુરેન્દ્રનગરના રતનપરામાં વેપારીએ ઝેરી દવા પીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો। વેપારીએ હીરો ફાઇનાન્સ કંપનીમાંથી 27 લાખની લોન લીધી હતી। લોનના હપ્તા ભરી ન શકતા ફાઇનાન્સ કંપનીના કર્મચારીઓ ત્રાસ આપતા હોવાનો આરોપ છે। ઝેરી દવા પી લેતા વેપારી ગંભીર હાલતમાં ગાંધી હોસ્પિટલ ખસેડાયો। आ घटना ने लईने व्यापारी एसोसिएशने पण आक्रोश व्यक्त कर्यो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीए सोमवारे घाटी में अंदाजे 6 स्थलों पर दरोड़ा पाड्या। सुरक्षा दलों साथ एजेंसीनी टीमे बांदीपुरा, कुलगाम, पुलवामा और शोपिया में दरोड़ा पाड़ी तपास शुरू करी। त्यारे राज्यना 4 जिल्लाना સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરાઈ સૂત્રો જણાવ્યાના અનુસાર આતંકવાદી ગતિવિધિ સાથે જોડાયેલા એક કેસની તપાસમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા તો મંગળવારે રાજ્ય તપાસ એજન્સીએ શ્રીનગરમાં સોશિયલ મીડિયાના દુરુપયોગના સંબંધમાં ઘાટીમાં 4 જિલ્લામાં 6 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા। विदेश प्रवास थी परत फर्या बाद दिल्ली एरपोर्ट पर वडाप्रधान मोदीए भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अन्य नेताओं पासेथी देशनी स्थिति विषे जानकारी मेळवी। पीएम मोदीए जेपी नड्डा ने पूछ्यु हतुं के अहीं केवुं चाली रह्युं छे अने तेना जवाबमां जेपी नड्डाए जणाव्युं के पार्टीना नेताओए सरकारनी कामगीरीनो रिपोर्ट लोको सुधी पहोंचाड्यो छे अने लोको खुश छे। पीएम मोदीए छेल्ला 6 दिवसथी अमेरिका अने इजिप्तना प्रवासे हता। आ प्रवास दरमियान तेमणे अनेक करार पर हस्ताक्षर कर्या छे। दिल्ली एरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी અને ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા પણ પીએમ મોદીના સ્વાગત માટે એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા। પીએમ મોદીની અમેરિકા અને ઇજિપ્તની 5 દિવસની મુલાકાત ઘણી રીતે ઐતિહાસિક હતી અને આ દરમિયાન અનેક સમજૂતીઓ પર હસ્તાક્ષર થયા છે। પાલમ એરપોર્ટ પર ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી મીનાક્ષી લેખીએ પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું। આ દરમિયાન મીનાક્ષી લેખીએ કહ્યું કે તેમનો પ્રવાસ ખૂબ જ સફળ રહ્યો છે। આ મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાનને જે પણ સન્માન મળ્યું છે તે સમગ્ર દેશનું સન્માન છે। આરબ દેશોમાં ઇજિપ્તનું સ્થાન માતાનું છે અને જ્યારે તે વડાપ્રધાનનું સન્માન કરે છે તેઓ ભારત પ્રત્યે આદરણીય છે। एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका और इजिप्तना प्रवास करी वतन परत फर्या छे तो बीजी तरफ अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडने भारत अमेरिका की दोस्ती पर मोटी बात कही है। बाइडने ट्वीट करता भारत और अमेरिका की मित्रता ने दुनिया की सौथी महत्वपूर्ण दोस्ती गणावी तो अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख है तेमने ट्वीट पर पीएम मोदी ने जे रेट पर सहमति दर्शावी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडने ट्वीट करीने लख्युं छे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अने भारत वच्चेनी दोस्ती दुनिया में सौथी महत्वपूर्ण छे। ते पहेलाथी ज वधु मजबूत हती अने हवे वधु गाढ़ अने गतिशील बनी छे। तेमणे पोताना ट्वीटमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना राजकीय यात्रा दरमियान वितावेला समयनो वीडियो पण शेर कर्यो छे। अमेरिकाना पूर्व राष्ट्रपतिए बराक ओबामाना विवादित निवेदन पर भारतना नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे वळतो जवाब आप्यो। सीतारमणे प्रेस कॉन्फरन्स करी मुस्लिमों साथे ट्रीटमेंटवाळा ओबामाना निवेदननो जवाब आपता पीएम मोदीनो बचाव कर्यो। आ दरमियान सीतारमणे कोंग्रेस पर डेटा विना अने फालतू मुद्दा उठावવાનો आरोप लगाव्यो। તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પાર્ટીઓ ચૂંટણી હાર્યા બાદ આવું કરે છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાએ ભારતમાં મુસ્લિમો સાથે ટ્રીટમેન્ટ અંગેનું વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું। पीएम मोदीना अमेरिका ने इजिप्तना प्रवास दरमियान जे प्रवास करी तेओ परत फर्या छे। आ दरमियान चीनना पेटमां तेल रेड़ायुं छे। ग्लोबल टाइम्समां प्रकाशित एक अहेवालमां कहेवामां आव्युं छे के भारते अमेरिकाथी सावधान रहेवानी जरूर छे। વધુમાં લેખમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકા ચીનની સામે જીતવા માટે ભારતનો સહારો લઈ રહ્યું છે તો જેની ભારતને જાણ હોવી જરૂરી છે। અમેરિકાની આદત છે કે તેઓ જીઓપોલિટિક્સથી સત્તા અને ચશ્માની તાકાતથી જુએ છે તો અમેરિકા એવા લોકો સાથે ગાઢ સંબંધ રાખે છે જેનાથી તેને ફાયદો હોય। મહત્વનું છે કે અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે હંમેશાથી જ જંગ છે ત્યારે આવામાં ભારતે વિકસિત દેશોમાંથી સૌથી આગળ આવી રહ્યું છે। ભારતની મહાસત્તાથી મિત્રતા ચીનને ખરેખર ખૂંચી રહી છે। खराब हवामान विमान माटे मुश्केलीनुं कारण बनतुं होय छे अने आज हवामानना खराब थवाने कारणे इंडिगोनी फ्लाइटने थोड़ा समय माटे पाकिस्तानी एर स्पेसमां जवुं पड्युं अने अमृतसरमां इमर्जन्सी लेन्डिंग करवानी फरज पड़ी। एरलाइन्स कंपनीना जणाव्या अनुसार फ्लाइट जम्मू जई रही हती त्यारे खराब हवामानने कारणे तेनो रूट हतो ते बदलवो पड्यो। हवामान एटलुं खराब थई गयुं हतुं के तेने थोड़ा समय माटे पाकिस्तानना एर स्पेसमां प्रवेशवानी फरज पड़ी। जो कि तेना थोड़ा समय बाद फ्लाइट भारतीय हवाई क्षेत्र में पाछी आवी। पायलटे खराब हवामान विषे अधिकारीओं ने जानकारी आपी हती अने कह्युं हतुं के तेने पाकिस्तानी एर स्पेस में प्रवेश करवो पड़शे। त्यारबाद अधिकारीओए तेमने मंजूरी आपी। अधिकारीए कह्युं के समग्र डायवर्जन लाहोर अने जम्मू एटीसी द्वारा सारी रीते संकलन करवामां आव्युं। आखरे फ्लाइटने अमृतसर डायवर्ट अपायुं अने सफलतापूर्वक तेनुं लेन्डिंग करायुं। हिंसाग्रस्त मणिपुर में छेल्ला 24 कलाक में असामाजिक तत्वों द्वारा बांधवामां आवेल 12 जेटला बंकरों ने पुलिस और अन्य सुरक्षा दलों की टीमों द्वारा तोड़ी पाडवामां आव्या छे। मणिपुर पुलिस द्वारा जारी करवामां आवेल निवेदन प्रमाणे पुलिस और सुरक्षा दलोए तामेंगलोंग, पूर्वी इम्फाल, बिश्नपुर, चूड़ाचंदपुर ना बंकरो नष्ट कर्या छे। साहुफळ गाममां डांगरना खेतरमांथी सर्च ऑपरेशन दरमियान 351 mm मोटर वोटर सेल તેમજ 384 mm मोटर सेल मળી આવ્યા છે। રાજ્યની બોમ્બ નિરોધક ટીમ દ્વારા મોટર સેલ અને આઈએડીને નષ્ટ કરવામાં આવ્યું। મણિપુર પોલીસે જણાવ્યું છે કે પ્રદેશમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે, પરંતુ અત્યારે કાબૂમાં છે। કર્ફ્યુનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ પોલીસે 135 લોકોની ધરપકડ કરી છે। केंद्रीय मंत्री अमित शाहे नवी दिल्ली में मणिपुर हिंसा मुद्दे बैठक करी हती, त्यारबाद कांग्रेस नेताओं अलग अलग सवालों उठाव्या। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बैठक बाद बीरेन सिंह ट्वीट कर जणाव्यु छे कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति लावा माटे तमाम व्यवस्था करवामां आवे तेवी खातरी आपी छे। बीरेन सिंह नवी दिल्ली में अमित शाह साथे 45 मिनिट सुधी बात करी। बीरेन सिंह ट्वीट करीने कह्युं छे कि अमित शाह की देखरेख हेठळ राज्य और केन्द्र सरकार हिंसा माटे मोटा प्रमाण में स्थिति पर काबू मेळव्यो छे। 13 जून बाद अत्यार सुधी राज्य में अनेक लोगों मौत थया हता। भाजप सांसद ब्रिजभूषण सिंह सामे हवे पहलवानों रस्ता पर आंदोलन करवाना नथी। तो महत्वनुं छे के कुस्तीबाजुए आ लड़ाई हवे कोर्ट द्वारा लड़वानो निर्णय कर्यो छे। जो के न्याय न मळे त्यां सुधी तेओ पोतानो संघर्ष यथावत राखशे। साक्षी मलिक अने विनेश फोगाटे ट्वीट करी लख्युं छे कि सरकार साथे 7 जूने बातचीत थई छे। सरकारे कुस्तीबाजो साथे करेला वायदानो अमल करवा महिला कुस्तीबाजोए महिला उत्पीड़न अने यौन शोषण बाबते फरियाद दाखल करी हती। दिल्ही पोलीसे तपास पूर्ण करी 15 जूने कोर्टमां चार्जशीट रजू करी छे। आ केसमां कुस्तीबाजोनी कायदाकीय लड़ाई हवे कोर्टमां न्याय सुधी चालू रहेशे। रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडियानी चूंटणी मौकूफ राखवामां आवी छे। आ चूंटणी 11 जुलाईना रोज योजवानी हती, परंतु गुवाहाटी हाईकोर्टे चूंटणी पर स्टे आपવાનો ચુકાદો આપ્યો। આવી સ્થિતિમાં કુસ્તી મહાસંઘની ચૂંટણી ફરી એકવાર મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। અગાઉ આ ચૂંટણી 6 જુલાઈએ યોજાવાની હતી, ત્યારબાદ તેની તારીખ આગળ વધારીને 11 જુલાઈ કરવામાં આવી, પરંતુ હવે આ તારીખે ચૂંટણી નહીં યોજાય। દિલ્હીમાં વીજળી 10% મોંઘી થઈ છે। બોમ્બે સબર્બન ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય પાવર ખરીદી અંગે डीआरसी ने अरजी करी हती, जेने मंजूरी आपवामां आवी छे। अहेवाल अनुसार दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, नवी दिल्ली, जूनी दिल्ली और दिल्ली ट्रांस यमुना विस्तार में रहता लोको छे, तेमने वीजळी वधारे प्रभावित करशे। तेनी साथे ज एनडीएमसी एटले के नवी दिल्ली विस्तार पण प्रभावित थशे, जेओ बीवायपीएल द्वारा वीजळी लई रह्या छे। तेमणे 9.42% वधारानी टेरिफ चूकववा पड़शे। ते ज समये जेओ बीआरपीएल उपभोक्ता है 6.39% વધુ વીજળી બિલ ચૂકવવું પડશે।